नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जिस खेत की मैं मिट्टी परीक्षण कराया हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब उसमें मैं 0118 गन्ने की बुआई करा रहा हूँ। चलिए उसके पहले मैं बता दूँ इसमें कौन कौन सी खाद डाली जाएगी और नाले की दूरी कितनी रहेगी और कितनी गहरी रहेगी। चलिए ठीक है, हमारे दादाजी हैं जो गन्ने की रुपाई 0118 की करा रहे हैं। चलिए इनसे मिलके बात करते हैं कि कौन कौन सी खाद डाले हैं और कौन कौन सी बीज कैसे डलवा रहे हैं। तो बाबा कौन कौन ना रोपवा था तू? 18। अच्छा, कौन कौन खाद में दिया था? यूरिया, डाई, पोटाश, चूना। हाँ तो को काटा खेतो भाई? अच्छा तो मैंने आज रोपा जाए ना। तो को कुंटल बीवा लागल भाई? आ खदरा एक हिसाब से मन पड़ल बा। तो डहिया कितना पड़ल बा? आ यूरिया, आ पोटास, आ चूना। अच्छा तो यानी कि ये माटी जो भरावल जाए तो पूरा माटी भरावल जाए कि आधा आधा मने माटी भरावल जाए? हाँ तो वह बताओ कौन मैंने भरा ले। जैसे नया किसान जो रोपत आड़ा सन, जैसे हमने से नौ युवक बड़ा सन जानत नहीं सन खेती के बारे में, तो हर तो उम्र हो गए बा खेती कराओत कराओत, तो तारा ज़्यादा जानकारी बा। तो ये बताओ कि जैसे माटी जो भरा ले कि कितना कितना माटी दिहल जाए कि गन्ना के जो आँख निकले जो पुआड़ी को बोलल जला उ सही से निकले आ दबाव ना। तो केन से मैंने कितना कितना भरा पूरा भरा दिल जाए कि कम कम भरा ले? कैसे कि धूस माटी बा तो ये में पूरा निकल जाए, चोरिया रही तो और ही मैंने 8-8 इंची के हिसाब से भरा हो जाए। चलो चाचा बहुत बहुत धन्यवाद आपके। हाँ तो देखिए भाई लोग, हमने आपको बता दिया और दादाजी से हमने भी आपको बहुत ही डिटेल में आप सभी को जानकारी दे दिया है। वैसे मैं गन्ने की जो नाला फराई है उसको भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये नल्ले फराई है और इसमें बीज भी डाल दिया गया हुआ है। अब इसमें खाद डाल करके और इसमें माटी को इसको ढक दिया जाएगा और बैल से इसकी हंगाई करा दी जाएगी क्योंकि इसकी नमी सूखे ना और हमारी नमी बरकरार रहेगी। और 50 से 60 दिन के बाद से इसमें जब पुआल निकल जाएगा इसका तो इसमें पानी चला करके और धंजाम यूरिया डाल के इसको पोटा दिया जाएगा। क्योंकि धंजाम डालने से फ़ायदा ये रहता है जो पुआल उसका आता है वो अच्छे से विकास करेगा और जो खाद हम दिए रहते हैं नीचे गन्ने की बुआई के साथ वो अच्छे से पचाता है और उसकी विकास बहुत तेज़ी से करता है। धंजाम का ये फ़ायदा है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ गन्ने से रिलेटेड आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।